द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री हरि विष्णु के आठवें अवतार भगवान श्री कृष्णा को समर्पित है। यह मंदिर भारत के गुजरात के गोमती नदी के तट पर द्वारका में स्थित है। 5 मंजिला इमारत और 72 स्तंभों वाला यह मंदिर जगत मंदिर या निज मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। यह मंदिर लगभग 2200 साल पुराना बताया जाता है। 15वीं-16वीं शताब्दी में मंदिर का विस्तार किया गया। द्वारकाधीश के मूल मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के वंशज और उनके परपोते वज्रभनाथ ने करवाया था, जबकि द्वारकापुरी का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी से करवाया था। आज भी कई रिसर्च से समुद्र के गर्भ में द्वारका नगरी के अनेक अवशेष मिले हैं, जिन पर लगातार शोध जारी है। द्वारकाधीश मंदिर भारत के गुजरात राज्य के द्वारका शहर में स्थित है। यह शहर गुजरात के जिले जामनगर में पड़ता है, जो भारत के पश्चिम तट पर अरब सागर के किनारे स्थित है। यह मंदिर भारत में हिंदुओं द्वारा पवित्र माने जाने वाले 4 धाम तीर्थ का हिस्सा है। अन्य 3 में रामेश्वरम, बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी शामिल हैं। मंदिर की पूरी ऊंचाई लगभग 157 फीट है। इस मंदिर के शिखर पर एक झंडा लगा हुआ है। मंदिर के ऊपर का ध्वज सूर्य और चंद्रमा को दर्शाता है, जो कि यह दर्शाता है कि जब तक सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे, तब तक श्री कृष्ण रहेंगे। ध्वज को दिन में 5 बार बदला जाता है। इस ध्वज की लंबाई 52 गज होती है। हर बार समान प्रतीक के साथ अलग रंग का ध्वज फहराया जाता है। इस ध्वज को कई मील दूर से भी देखा जा सकता है। मंदिर का शिखर 78.3 मीटर ऊंचा है। मंदिर का निर्माण चूना पत्थर से हुआ है, जो अभी भी प्राचीन स्थिति में ही है। एक किंवदंती के अनुसार द्वारका नगरी का निर्माण श्री कृष्ण के आग्रह पर भगवान विश्वकर्मा द्वारा गोमती नदी के तट पर समुद्री भूमि के एक टुकड़े पर किया गया था। कहते हैं कि विश्वकर्मा जी द्वारा केवल एक रात्रि में ही इस भव्य नगरी का निर्माण पूरा हो गया था। उस समय यह द्वारका नगरी स्वर्ण द्वारका के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि उस काल के दौरान अपनी धन वैभव और समृद्धि के कारण यहाँ स्वर्ण का दरवाजा लगा हुआ था। एक बार दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मी जी से मिलने गए। उनसे मिलने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण से उनके निवास स्थान द्वारका नगरी पर चलने का अनुरोध किया। द्वारका नगरी की तरफ कुछ दूर जाने के बाद ही रुक्मिणी देवी थक गई और उन्होंने श्री कृष्ण से पानी पीने का अनुरोध किया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी की प्यास बुझाने के लिए एक पौराणिक छेद से गंगा नदी के धारा को प्रवाहित कर दिया। इस घटना से महर्षि दुर्वासा को ऐसा लगा कि रुक्मिणी देवी उन्हें द्वारका जाने से रोकने का प्रयास कर रही हैं, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने रुक्मिणी जी को उसी स्थान पर रहने का श्राप दे दिया। माना जाता है कि जिस स्थान पर रुक्मिणी देवी श्राप के समय खड़ी हुई थी, उसी स्थान पर द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण किया गया। द्वारकाधीश मंदिर के 52 गज के ध्वज के पीछे अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि द्वारका पर 56 प्रकार के यादवों ने राज किया था, जिनमें से मुख्य 4 बलराम जी, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के मंदिर तो अभी भी बने हुए हैं। शेष बचे 52 प्रकार के यादवों के प्रतीक के रूप में यह ध्वज 52 गज का है। एक और मान्यता अनुसार 12 राशि, 27 नक्षत्र, 10 दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा और श्री द्वारकाधीश मिलकर 52 होते हैं। इसीलिए द्वारकाधीश मंदिर पर 52 गज का ही ध्वज फहराया जाता है। इस ध्वज की खासियत यह है कि हवा की दिशा चाहे जो भी हो, यह ध्वज हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ही लहराता रहता है। एक और मान्यता अनुसार द्वारका में एक समय पर 52 द्वार हुआ करते थे। यह ध्वज उसी का प्रतीक है। मंदिर के इस ध्वज को एक खास दर्जी ही सिलता है। जब ध्वज बदलने की प्रक्रिया होती है तो उस तरफ देखने की भी मनाही होती है। महाभारत के युद्ध में पांडवों का समर्थन करने के कारण कौरवों की माता गांधारी ने युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को यह श्राप दिया था कि जिस तरह श्री कृष्ण ने सभी भाइयों को आपस में लड़वाकर उनके कुल का नाश किया है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश भी आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा और श्री कृष्ण को चाहकर भी यह विनाश रोक नहीं पाएंगे और उनको यह विनाश अपनी आंखों से देखना पड़ेगा।
आगे श्राप देते हुए माता गांधारी ने कहा कि श्री कृष्ण को अपने निवास स्थान से दूर कहीं किसी घने जंगल में मृत्यु आएगी। उनकी मृत्यु के समय उनका कोई भी अपना उनके साथ नहीं होगा। तत्पश्चात द्वारका नगरी भी समुद्र के गर्भ में समा जाएगी। महाभारत युद्ध के ठीक 36 वर्षों के बाद माता गांधारी का श्राप फलित हुआ और यदुकुल की समाप्ति के पश्चात द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई।